Today we are going to disassembling of Canon printer 25 series model number MG2570S. सबसे पहले आपको ये और दोनों साइड के ये पीछे के दो नट खोलने होंगे। नट खोलने के बाद आपको ऊपर के कवर निकालने होंगे। थोड़ा सा जोर लगाने पर ये कवर आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद इसके पीछे जो पेज डालने वाले सेक्शन है उस कवर को हम थोड़ा सा जोर लगाकर निकालेंगे। अब बारी है स्कैनर को निकालने की। हल्का सा जोर लगाकर खींचने पर ये अंदर जो लॉक लगे होते हैं वो निकल करके बाहर आ जाएंगे। जब स्कैनर बाहर आ जाएगा तो आपको इसका मेन बोर्ड निकालना होगा। मेन बोर्ड निकालने के लिए ऊपर के दो स्क्रू खोलने होंगे, दो या तीन। मेन बोर्ड कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसके प्रिंटर कार्टिज को बाहर निकाल लेंगे। प्रिंटर कार्टिज कुछ ऐसा दिखेगा। प्रिंटर कार्टिज को निकालने के बाद इसके दूसरे सेक्शन को अलग करेंगे। दूसरे सेक्शन को अलग करने से पहले जो इसकी आउटर फिटिंग के लिए जो एक्स्ट्रा मेटल दिए गए हैं उसे हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकलने के बाद आप ये जो रिबन देख रहे हैं ये आपका रीडर है, प्रिंटेड रीडर रिबन है। इसके SMPS को हम थोड़ा सा फोर्स लगाकर निकाल लेंगे। ये SMPS 24 वोल्ट का और 0.5 mA का 0.500 mA का है। इसके केबल्स निकाल लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, सावधानी से।
इसके सारे केबल बारी बारी करके निकाल लेंगे। ये हमारा प्रिंटर है जो इस असेंबलिंग के लिए आगे दो नट खोलने होंगे, तब ये हमारा जो स्टैंड है जिस पर ये मोटर कसा हुआ है, ये मोटर 12 वोल्ट की और हाई क्वालिटी की मोटर होती है। कुछ और स्क्रू खोलने के बाद हम इस मोटर को आसानी से निकाल सकते हैं। ये है वो रिबन जिस पर महीन धागे बने हुए हैं, जिसे चेक करके आप बड़े करके आप जूम करके देख सकते हैं। इसी रिबन के बगल में ये एक शाफ्ट है जिसके बगल में ये एक केस दिया गया है जो प्रिंट हेड को कार्टिज हेड को सूखने से बचाता है। कुछ और स्क्रू खोलने के बाद हम इस शाफ्ट को भी निकाल लेंगे। ये शाफ्ट बिल्कुल उसी तरह से लंबे रिबन की तरह है जिस पर छोटे छोटे धारियां हैं, और उसे ही काउंट करके हमारा प्रिंटर आगे पेज खींचता है। कुछ और स्क्रू खोलने के बाद इसके पेज खींचने वाले रोलर भी बाहर आ जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले पीछे के दो स्क्रू आपको निकालने होंगे। पीछे ये जो स्टैंड दिया गया है पेज के लिए, इसे आप थोड़ी सी फोर्स लगाकर आप इसे निकाल सकते हैं। और पीछे के दो स्क्रू खोलने के बाद हम इसके आगे वाले सेक्शन को अलग कर सकते हैं रोलर को। कुछ और स्क्रू खोलने के बाद हमने ये देखा कि इसकी गियर असेंबली जहां पर प्रिंट हेड क्लीन की जाती है वो बाहर आ जाएगी, और ये रहा हमारा प्रिंट हेड क्लीन करने वाले असेंबली। कुछ और प्लास्टिक के लॉक निकालने पर जो हमारा आगे का सेक्शन है वो अलग हो जाएगा।
ये जो गियर असेंबली है ये पेज को आगे और पीछे खींचने का काम करती है। यदि पेज फंस जाए तो यही वो असेंबली है जहाँ ये जा कर के फंसती है। ये कुछ इस तरह के आपको दिखेगी। अब हमारी पेज के रोलर असेंबली बाहर आ चुकी है। ये है पेज के रोलर असेंबली। और इस तरह से हमारा प्रिंटर पूरी तरह से डिसअसेंबल हो चुका है। स्कैनर को खोलने के लिए सबसे पहले इसके स्विच बटन को के ऊपर जो कवर है उसे निकालना होगा। ये पूरी तरह से लॉक सिस्टम पर होता है। इसके बाद इसके बटन को रिमूव करेंगे। बटन सर्किट को हम निकालेंगे। ये है इसका बटन सर्किट। थोड़ी और मेहनत करने के बाद इसके स्कैनर के ऊपर के शीशे को निकाल लेंगे। स्कैनर के ऊपर के शीशे सिर्फ लॉक सिस्टम पर लगे हुए होते हैं। थोड़ी और मेहनत के बाद इसके स्कैनर सिस्टम को निकाल लेंगे। ये है स्कैनर की मोटर। स्कैनर के पूरी तरह से डिसअसेंबलिंग होने के बाद हमारा डिसअसेंबलिंग कैनोन MG2570 पूरा हो चुका है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट डाउन बिलो।